हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और काफ़ी लेट हो गया नेक्स्ट वीडियो आने में। तो उसके वजह से काफ़ी जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था बारिश। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और जिसके वजह से घर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और जैसी बारिश होती है तो मैं एक नए ब्लॉग के लिए आ गया हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ इस समय बलिया के काफ़ी फेमस महाबलेश्वर मंदिर में और मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है ये मंदिर। हालांकि काफ़ी रश वाला एरिया है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो हालांकि काफ़ी सुंदर ये मंदिर है, तो आई विल डेफिनेटली शो यू कि कैसा है कैसा नहीं। अभी फ़िलहाल जो मैं उसके अभी गेट पे खड़ा हूँ और फिर अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कैसा है ये मंदिर। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये है एंट्री गेट, ये मैंने अभी मार्किंग लगा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो ये बलिया में काफ़ी ओल्ड मंदिर है। काफ़ी इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको चारों तरफ के मंदिर किस तरह का है। जैसे आप एंट्री करते हैं कुछ इस तरीके का आपको सीन देखने को मिलता है। और जैसे एंट्री करते हैं दोनों तरफ आपको प्रसाद देने वाले लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पर है सामने एंट्री गेट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर की तरफ बताया था काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है अंदर रश। एक्चुअली क्या है ना कि अभी नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, जिसके वजह से इन मंदिरों में क्या है, इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश चल रही है। काफ़ी मुश्किल हो रहा था अभी इस समय वीडियो शूट करना, बट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे जो मंत्र है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। पार्ट है वो मंदिर के पिछला हिस्सा है, एक बार मैं दिखाता हूँ कैसा है। देखिए पीछे भाई पूजा करते हुए अंदर। मैंने लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की नहीं सोची कि अगर आप बलिया से हैं तो डेफिनेटली यू शुड कम दिस टेम्पल। काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ और है इस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है अभी न्यूली बिल्ट है, क्योंकि मंदिर तो
पुराना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जो इसको सुंदरीकरण या फिर इंग्लिश में कैसे मैं बोलूँ, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है अभी बिल्कुल नया हुआ है और इसके वजह से जो मंदिर है पहले से ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको जो लोग दर्शन कर रहे हैं। चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे बेकार लगी, लोग उन फूलों को खरीदते हैं उसके बाद इकट्ठा करके यहाँ पे कचरे में डाल दिया जाता है। तो आई थिंक जो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि यहाँ लोग फूल खरीदते हैं उनको यहाँ चढ़ाया जाता है, फिर लोग क्या करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं कचरे का डाल दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि आखिर उन फूलों को चढ़ाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। तो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फूलों को इस तरीके से वेस्ट जो किया जा रहा है आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मंदिर जो है बहुत पुराना है और ये राजा बलि की स्थापित प्रतिमा है, ये तीसरी बलिया है, तीसरी बलिया है और दो बलिया तो गंगा में बिली लौट चुका है और तीसरी बलिया यह है। ये इनका नाम पहले बलेश्वर नाथ था, अब भगवान का नाम बालेश्वर नाथ हो गया, ठीक है। और जो भी कोई सच्चे मन से आया उसका मनोरथ बाबा ने पूर्ण कर दिया। बच्चे जिसको नहीं तो उसको बचा दिए, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था उसको कुष्ठ रोग दूर कर दिए, तरह तरह की जो भी परेशानियाँ होती है बाबा सब दूर करते हैं। सच्चे मन से आना चाहिए, दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार में आवे और अपना मनोरथ कहे बाबा से, उनके मनोरथ अवश्य पूर्ण होगी। जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी और बस यही दिखाना था यहाँ पर। मैंने तो हालांकि दर्शन किए और दोनों तरफ यहाँ पे आपको जैसे आप एंट्री करते हैं या प्रसाद वाला सिस्टम मिल जाता है, लेकिन आई हार्डली रिकमेंड यू कि प्लीज़ फूलों का जो इस तरीके से वेस्ट हो रहा है वो शायद नहीं होना चाहिए। और इस पर आपकी क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और इसके अलावा ये वो वीडियो की आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं छोटा सा ही चीज़ जहाँ पे लोग आ रहे हैं और दान करके जा रहे हैं, और ठीक है अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो वीडियो जो थी ये काफ़ी थोड़ी लेट हो गई, इसके पीछे रीज़न था बारिश का होना। आई होप कि ये जो आने वाली वीडियोस होंगी इससे भी जल्दी जल्दी आएंगी, और उन लोगों को मैं हार्डली थैंकफुल करना चाहूँगा जिससे मेरे लास्ट जिन्होंने लास्ट वीडियो पे मेरे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया था। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छी सराहना की मेरे काम की, और मैं कोशिश करूँगा यही कि आने वाली जो वीडियोज़ हों इससे भी बढ़िया आए, और आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और अभी फ़िलहाल जो क्या है कि मैं अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ और आई होप कि आने वाली वीडियोस के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।